ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आप जो प्यार और सपोर्ट अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अक्सर कोई ना कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा करता है, या तो व्यापार में बुरा कर देता है, या फैमिली में बुरा कर देता है, या हमारे प्यार में हमारे साथ तकलीफ डाल सकता है। जीवन के किसी भी पहलू पर कोई ना कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर कर देता है। तो कभी भी भविष्य में भी या भूतकाल में अगर कोई व्यक्ति ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया है, आपका हक खाया है, आपके पैसे खाए हैं, आपके समय का दुरुपयोग किया है और आपका मिसयूज़ किया है, तो दोस्तों ये मंत्र आप जान लो। इन मंत्रों से आप उन लोगों को सबक सिखा सकते हैं, मतलब उन लोगों के साथ ईश्वरीय न्याय कर सकते हैं। ये पॉजिटिव वे में है, कहीं भी कुछ भी चीज़ नेगेटिव नहीं है। आप उस तरह से ना ले, किसी व्यक्ति का अहित है। केवल और केवल हम इन मंत्रों का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ईश्वर जो भी उनका परिणाम होगा या जो भी उनका न्याय होगा वो जरूर कर लेगा। इससे कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शत्रु नाशक और शत्रुओं को सही सबक या सही परिणाम इस तरीके से मिलता है। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, बात को थोड़ा सा आगे ले जाएं। उससे पहले एक निवेदन है मेरा आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर भी हमसे बात आप कर सकते हैं। आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहला तरीका, आपको हर मंगलवार बनारसी पान हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। बनारसी पान बाजार में मिल जाता है, हनुमान जी को चढ़ाएं और ये शत्रु नाशक है, जो भी शत्रु है हमारे उनका नाश होता है। दूसरा तरीका, जो मंत्र की मैं बात कह रहा हूँ, आपको 7 दिन के भीतर भीतर 7 डे के अंदर अंदर हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना है। 100 बार यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ 7 दिन में डिवाइड अगर हम करें तो रोज 15 बार होता है। 15 बार किसी दिन 14 बार करें। सुबह शाम नहा धोकर स्वच्छता का ध्यान रखकर पूरब की दिशा पर मुंह करके या दक्षिण की दिशा में मुंह करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप 7 दिन के भीतर भीतर 100 बार पाठ आपको करना है। जैसे आप 100 बार पाठ करेंगे दोस्तों, आने वाले 15 दिन 20 दिन में जो शत्रु है उनका नाश हो जाएगा। नाश होने से मतलब है उन्हें जो भी चीज़ें हैं, जो उन्होंने आपके साथ गलत किया उसका न्याय हो जाएगा। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है। तो 7 दिन के भीतर भीतर 100 बार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी महासुखोई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चले रहे हैं। ओम नमः शिवाय।